दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जैसा कि आपने स्क्रीन पर हमारा थंबनेल देखा होगा उसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। जिसका साइज़ है 20x45। हमारे एक जानने वाले हैं, उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया, उन्होंने हमें कमेंड किया और उन्होंने हमसे बात करके अपनी रिक्वायरमेंट को समझा करके उनके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट कर रहा हूँ 20x45 में। इस मकान में दोस्तों आपको कार पार्किंग व्यवस्था मिलती है, बेडरूम्स मिलते हैं, गेस्ट रूम मिलता है, बड़ी से लॉबी, किचन और वेंटिलेशन का प्रॉपर ख्याल रखा गया है। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे 20x45 में डिस्कस करने वाला हूँ पूरा डिटेल। इसका कॉस्ट भी फाइंड आउट करना बताऊँगा मैं, साथ साथ पूरा डिटेल के साथ वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों लगातार आपको अपडेटेड वीडियो मिलते हैं। अगर आप कोई भी मॉडल बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक पेड सर्विस स्टार्ट की है जिसके थ्रू आप हमसे बात करके अपनी रिक्वायरमेंट को बताकर अपने अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करा सकते हैं। लेकिन आप पेड सर्विस जब भी इस्तेमाल करें तो आप एक बार हमसे बात जरूर करें, तभी आप पेमेंट करें, अन्यथा किसी व्यक्ति को पेमेंट आप बिल्कुल ना करें। तो आज का जो मॉडल है 20x45 में, उसे डिस्कस करने के लिए मैं आपको ले चलूँगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखिए दोस्तों, जो मॉडल मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ पूरा आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। देखिएगा फ्रंट की अगर बात करें, बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पर मैंने डिज़ाइन किया है, साथ साथ साइड में 3 साइड क्लोज्ड है और 20x45 20 फिट इसकी चौड़ाई है। लंबाई की बात करें 45 फिट है। फ्रंट का एलिवेशन आप देख पा रहे हो, ये ऐसे जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको और इसका टेक्सचर वगैरह देखने को, VIP देखने को मिल जाए। ये आप रेलिंग इसकी देख पा रहे होंगे जो मैंने क्रिएट की है ये, और ये इसका टेक्सचर मैं अभी और आपको जूम करूँगा। तो यही पूरे मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट से इसका रोड है, साइड से क्लोज है, ये स्लोप है जहाँ से आप चढ़ेंगे, ये स्टेयर्स है, ये एक बेडरूम है जिसमें बाहर से मैंने एक डोर और विंडो दे रखा है। ये आपका मेन डोर है, ये रेलिंग का पार्ट्स है। तो अब मैं इस पेड़ को रिमूव कर दूंगा और पेड़ को रिमूव करने के बाद पूरा मॉडल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए मैंने पेड़ को हटा दिया। अब इसके ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। मैं इसे देखिए जूम करता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू। मेन डोर की बात करें तो मेन डोर ये है, ये इसका बेडरूम के डोर और विंडो है पूरा प्रॉपर तरीके से। ये कुछ स्टाइलिश चीज़ें रख दी हैं। अगर आप नाइट में इसको देखेंगे तो ये लाइट्स हैं। इसका मेन डोर से जैसे आप एंट्री करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल जाता बड़ा सा एक, देखिएगा जगह जहाँ से मैंने स्टेयर्स को दिया है। स्टेयर्स आप इधर से चढ़ेंगे टर्न होकर, फिर आप साइड में बेडरूम की तरफ को टर्न हो जाएंगे तो ये पूरा स्टेयर्स है। यहीं पर लॉबी टाइप की है, आप जहाँ पर अपनी कार पार्किंग या बाइक पार्किंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ्रंट में ही गेस्ट रूम मिलता है। ये देखिए गेस्ट रूम आपका है। इस गेस्ट रूम में देखिए सबसे पहले एक तो बाहर से डोर और विंडो, एक साइड से डोर दिया है और एक अंदर जब जाएंगे वहाँ से एंट्री के लिए डोर, ये देखिए देख पा रहे होंगे दिया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सोफे वगैरह टीवी वगैरह लगा रखा है, गेस्ट रूम है क्योंकि आपका। तो ये पूरा डिज़ाइन यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाता है। अब अंदर जाने के लिए ये डोर है, ये एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए। इस डोर के माध्यम से जैसे आते हैं तो एक बड़ा सा लॉबी आपको देखने को मिलता है जहाँ पर अपने गेस्ट वगैरह या जो भी डाइनिंग हॉल टाइप तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने देखिएगा ये 4 चेयर्स और एक बड़ा सा मेज रखा है जो आपके एक बेहतरीन देखने के लगता है। इसका साइड में जो बसता है यहाँ पर 2 लेट एंड बाथ उनकी रिक्वायरमेंट थी, हालांकि 2 लेट एंड बाथ की तो उन्हीं 2 लेट बाथ के लिए मैंने जगह छोड़ी है। देखिएगा दोनों के लिए अलग अलग डोर और वेंटिलेशन के लिए लगभग 7 फिट पर ये वेंटिलेशन के लिए जो हवा पास होती रहे वगैरह, तो वो यहाँ पर दिया है मैंने। अब अगर हम बात करें ये दोनों वेंटिलेशन के डायमेंशन की तो वो भी मैं सब कुछ बताऊँगा। इसके बाद अब जैसे यहाँ से आते तो ये आपका किचन एरिया है दोस्तों। मैंने यहाँ पर ओपन किचन रखा है, ये किचन एरिया, और ये सबसे कॉर्नर पर एक पासिंग एरिया रखा है मैंने जो बाहर ऊपर से आप जाल रखेंगे। इस जाल से आपका सबसे पहले आप यहाँ पर एक विंडो देंगे, इस बेडरूम के लिए आप प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन कर पाएंगे, साथ किचन का प्रॉपर तरीके वेंटिलेशन होगा, किचन से होकर ही आप पीछे जा पाएंगे। डोर मैंने दिया तो ये किचन एरिया, ये वेंटिलेशन एरिया, ये आपका एक पीछे बड़ा सा बेडरूम आप देख पा रहे हो, इसके लिए मैंने डोर ये दिया है। विंडो अगर बात करें तो यहाँ पर विंडो आप जो वेंटिलेशन एरिया दिया है वेंटिलेट एरिया, इससे आप एक विंडो भी दे सकते हैं। तो इस अगर मकान की बात करें तो 2 बेडरूम, एक पीछे बेडरूम एक आगे बेडरूम, बड़ा सा डाइनिंग हॉल है या आप लिविंग रूम बोल सकते हैं, 2 लेट एंड बाथ, किचन और वेंटिलेशन एरिया, साथ साथ स्टेयर्स और कार पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई। हालांकि कार पार्किंग आपकी ज़्यादा बड़ी यहाँ पर नहीं हो पाएगी क्योंकि छोटा सा एरिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग कार पार्किंग एरिया रखें। तो ये अगर हम बात करें 20x45 का ग्राउंड फ्लोर है जो कि बेहतरीन सा आपको देखने को मिल रहा होगा। अब अगर इसके लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका लास्ट फ्लोर है। लास्ट फ्लोर पर मैंने चारों तरफ 3.5 फिट का बाउंड्री,
फ्रंट में स्टाइलिश सा रेलिंग, और जो कि स्टील का कॉम्बिनेशन है, साथ साथ ये ईंटों का कॉम्बिनेशन है जो कि मैंने टेक्सचर भी दिया है। ये आपको स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी जो कि मैंने क्रिएट किया है, वेंटिलेशन, ये डोर जिससे आप छत पर आ पाएंगे, ये पूरा गुमटी आप देख पा रहे होंगे, और ये आपके प्रॉपर तरीके से रेलिंग जो मैंने क्रिएट किया। तो ये 20x45 का बेहतरीन सा मॉडल बनकर आ जाता है आपके सामने। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी रिकमेंडेशन है अगर आपका, हमारे पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप नंबर। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें अगर हम ओवरऑल, तो हमारा एक एप्लीकेशन है स्मॉल हाउस प्लान के नाम से, प्ले स्टोर पर आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ उसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज़ करें। वहाँ पर टोटल मटेरियल कितना लगेगा इससे घर को बनवाने में, टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, वो पूरा फाइंड आउट करके आपको बता देता है। तो इस मॉडल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।